हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हम जी हम देख रहे हैं कश्मीर से, यहाँ पे नेशनल म्यूज़ियम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स म्यूज़ियम से कश्मीर से आर्टिजन हैं जिनके पास काफ़ी सारे लाइक बेसिकली पेपर मैशी पेंटिंग के प्रोडक्ट्स हैं एंड दीज आर वेरी वेरी वंडरफुल। इन पे लाइक मुगल मिनिएचर, कश्मीरी मिनिएचर पेंटिंग भी, कश्मीर से भी मिनिएचर पेंटिंग आई है ना। तो आप कुछ इस आर्ट फॉर्म के बारे में, इस कला के बारे में बताइए कि आपका नाम। मेरा नाम है फयाज अहमद खान। आप कितने लाइक आपके फैमिली जनरेशंस की बना। अच्छा, वाओ। कितना सुंदर है ना। तो आप कुछ ये बताइए, इसमें लाइक कश्मीरी मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन है, ये लद्दाख से भी, लद्दाख के भी मिनिएचर पेंटिंग। ये बनाते हैं खाली, ये एक जो वर्क है ये तो बनाते हैं खाली श्रीनगर में, ज्यादातर ही श्रीनगर में है। कश्मीर में जो सिटी है श्रीनगर, वैसे वहाँ पर ही बनाते हैं। वहाँ पर जो एरिया है आलमगीरी बाजार, उसका नाम है, खासकर वही पर बनता है। कौन सा बाजार? आलमगीरी बाजार। आलमगीरी बाजार काजीरोली सिटी पर। अच्छा, और हसनाबाद में भी बनते हैं, वहाँ पर भी शेयर लोग हैं, वही ज्यादातर शियों के मतलब उसे। मैंने ये बहुत सुना है कि जो कश्मीर का आर्ट है वो ऑब्वियसली वो ईरान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। हाँ, इवन टर्की का भी, इसमें ऑटोमन एम्पायर का, कौन से शाह हमदान, वो ईरान से ही आ गए थे, उसी में लाया था ये इधर, उस टाइम तो बहुत से। ये देख रहे हैं आप कितने ही खूबसूरत डेलिकेट बॉक्सेस हैं। ये यूँ तो मैंने कई सारे पेपर मैशी ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, पर मैंने इतनी नाजुक और इतनी अच्छी लाइक पेंटिंग, कश्मीरी मिनिएचर पेंटिंग कभी नहीं देखी। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। दैट्स वेरी वॉल हैंगिंग्स का ना। It's very, each and every piece is very bright, very amazing. So, ये सब wood के हैं basically. वुड में भी होता है, पेपर मैश, ये तो पेपर मैश है। ये पेपर को पहले 5-6 दिन 7 दिन के लिए पानी में रखते हैं।